हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे ऑडियो विजुअल एड्स, और इनको इंस्ट्रक्शनल एड्स भी कहा जाता है। सी, ऑडियो विजुअल एड्स ज़्यादातर शॉर्ट मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इंस्ट्रक्शनल और ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं। देखिए, ऑडियो विजुअल हमें नाम से ही पता चलता है। ऑडियो मींस जो हमें सुनाई देते हैं, विजुअल मींस जो हमें दिखाई देते हैं, एड्स मींस जो हमें हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? टीचिंग में हेल्प करते हैं, या फिर इंस्ट्रक्शनल एड्स बोला जाता है, जो हमें इंस्ट्रक्शंस देने में हेल्प करते हैं। इंस्ट्रक्शनल मटीरियल्स आर द डिवाइसेस विच मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। बहुत ईजी है, सिंपल है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक बार आपको याद हो जाएगा। इंस्ट्रक्शनल मटीरियल्स वो डिवाइसेस होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, टीचिंग में यूज़ होता है। और जैसा कि मैंने बताया, ऑडियो विजुअल एड्स आर दोज थिंग्स दैट अपील टू आर सेंसेस ऑफ बोथ हियरिंग एंड सीइंग, जो हमें देखने और सुनने में हमें दिखाई देता है, और जो हमें हेल्प करता है किसी चीज़ को ग्रास्प करने में, किसी चीज़ को लर्न करने में, तो उसको ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। इनको ये भी कहा जा सकता है, ऑडियो विजुअल मटीरियल्स आर दोज सेंसरी ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस विच इनिशिएट, स्टिमुलेट एंड रीइंफोर्स लर्निंग। इनिशिएट मतलब जो स्टार्ट करने में हेल्प करता है, स्टिमुलेट मतलब उस चीज़ को बढ़ाने में हेल्प करता है आपकी लर्निंग को, रीइंफोर्स मतलब आपको थोड़ा सा मोटिवेट करता है और फोर्स करता है लर्न करने में। ये तो होगी बेसिक सी इनकी डेफिनेशंस। आगे हम थोड़ा और डिटेल्स में देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड्स। किस किस प्रकार के इंस्ट्रक्शनल एड्स होते हैं, या फिर ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं? पहला हम देख लेते हैं विजुअल एड्स। विजुअल एड्स से हमें क्या समझ में आता है? वो एड्स जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी पिक्चर, मॉडल्स, चार्ट्स, मैप्स, चॉकबोर्ड, स्लाइड्स और एनी ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू टीचर हेल्प करता है आपको समझाने में। कोई टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो वो किसी चार्ट के थ्रू आपको बेहतर समझाने की कोशिश करेगा। अगर ज्योग्राफी पढ़ा रहा है तो आपको मैप्स या ग्लोब दिखा के समझाने की कोशिश करेंगे। चाक बोर्ड तो मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स में यूज़ होता ही होता है, स्लाइड्स भी आजकल यूज़ होने लगी हैं। तो ये हो गए आपके विजुअल एड्स जो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स वो हैं जो सिर्फ सुनाई देते हैं, ज़्यादातर रेडियो, टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर वगैरह ये सब यूज़ करते हैं, मोबाइल्स भी वो लोग यूज़ कर लेते हैं आजकल फॉर ऑडियो एड्स। कोई एक चीज़, कोई आपको किसी का आपको कोई टॉपिक सुनाना है सिर्फ, या कोई कंपोजिशन सुनाना है आपको, या फिर आपको किसी की वॉइस सुनानी है, कोई वॉइस मॉड्यूलेशन समझाना है, तो उसमें ज़्यादातर ऑडियो एड्स यूज़ होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, सिर्फ सुनाई देते हैं। उसके बाद देख लेते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स वो होते हैं जो हमें दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देते हैं। द एड्स विच इफेक्ट बोथ द सेंस ऑफ विजन एंड सेंस ऑफ हियरिंग आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल एड्स। फॉर एग्जांपल टेलीविज़न, फिल्म प्रोजेक्टर, इंटरनेट आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इस चीज़ों में, छोटी क्लासेस से लेकर के बड़ी क्लासेस तक इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो आजकल तो जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो ज़्यादातर सभी स्कूल्स में ई लर्निंग या वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, तो इंटरनेट का बहुत ही ज़्यादा योगदान है इसमें, ठीक है। तो होप आपको समझ आ गया होगा टाइप्स ऑफ एड्स। अब देख लेते हैं इम्पॉर्टेंस, क्यों ज़रूरी है ऑडियो विजुअल एड्स। इट देखिए बहुत ही मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सिंपल से सिंपल सेंटेंसेस में आपको एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको कोई भी चीज़ समझने में जोर ना डालना पड़े। आप बस एक बार रीड करें और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ इजी से इजी लैंग्वेज आपके लिए लेकर आऊं, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए।
तो पढ़ लेते हैं एक बार. हेल्पफुल इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट. सबको समझ में आ रहा है ये? इंटरेस्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है. इट प्रोवाइड्स क्लियर इमेज ऑफ द कॉन्सेप्ट. आप अगर कोई चीज़ देखते हैं या कोई चीज़ सुनते हैं तो एक क्लियर इमेज आ जाता है आपके दिमाग में. इट मेक्स लर्निंग मोर परमानेंट. देखिए, कोई चीज़ अगर आप विजुअल या ऑडियो आप सुनेंगे या देखेंगे तो आपको वो चीज़ लंबे समय तक याद रहती है. इट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एटीट्यूड्स. समझने में हेल्प करता है. दे प्रोवाइड एक्सपीरियंस नॉट ईजली ऑब्टेन थ्रू अदर मटेरियल्स. आपको जल्दी समझ में आता है किसी और माध्यम के मुताबिक. अगर आप ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करते हैं तो आपको जल्दी समझ में आता है. मोटिवेट करता है स्टूडेंट को. एक क्रियोसिटी बनी रहती है. अगर आप कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो बच्चों को जानने में क्रियोसिटी रहती है, तो मोटिवेट करती है ये चीज़ें बच्चों को. एवीएट्स, इनको एवीएट्स भी कहा जाता है. एवीएट्स ड्वेल्स द पावर ऑफ इमेजिनेशन. बच्चों में बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है. जब कोई हम स्टोरी दिखाते हैं, ज़्यादातर टीचर्स क्लास में बच्चों को ऑडियो विजुअल कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू उनको स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं. यूट्यूब में आजकल बहुत लोग दिखाते हैं, टीचर्स दिखाते हैं. तो इमेजिन करने में, बच्चों को इमेजिन करने में बहुत हेल्प करता है. इट मेक्स देम इमेजिनेटिव. एवीएट सेव द टाइम एंड एनर्जी ऑफ द स्टूडेंट्स. बिकॉज वो उनको जल्दी समझ में आता है तो उनका टाइम और एनर्जी दोनों ही सेव होता है. इट ऑफर्स अ रियलिटी ऑफ एक्सपीरियंस. आपको एक रियलिटी में एक चीज़ दिखा रहे हैं तो ये हेल्प करता है लर्निंग में. करेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए अच्छी ऑडियो विजुअल एड्स के. इट शुड बी मीनिंगफुल एंड पर्पजफुल. ऑब्वियसली इट शुड बी एक्यूरेट इन एवरी रिस्पेक्ट. इट शुड बी सिंपल. बहुत ही सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए. आपका पर्पस ठीक से वो प्रोवाइड कर सके, बच्चों को समझ आ सके. एक्यूरेट होना चाहिए. इट शुड नॉट बी लार्ज इनफ कि बच्चों को उनको कैरी करने में या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत मुश्किल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. अप टू डेट होना चाहिए. बहुत ही पुराना या आउटडेटेड नहीं होना चाहिए. ईजिली पोर्टेबल होना चाहिए. तो ये कुछ सिंपल सी स्टेप्स हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए. देखिए, ऑडियो विजुअल एड्स अगर आपको 4.4 मार्क्स में आता है तो अगर आप मेन मेन पॉइंट्स लिख कर आएंगे ना तो देट विल बी मोर देन इनफ. अगर मान लो 16 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है तो दो दो लाइनें इनमें अगर आप एलोबरेट करके रख देंगे ना, आराम से आपके 3 से 4 पेज भर जाएंगे. अगर आप सारे स्टेप्स में दो दो तीन तीन लाइन्स अगर आप एलोबरेट कर देंगे. सो ये थे हमारे कुछ ऑडियो विजुअल एड्स. होप आप लोग को समझ आ गया होगा. इसमें तब भी अगर कोई भी इशू है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करूँगी हेल्प करने की. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.